अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक इस फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेजन के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर भी कहा जाता है। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाले साफ पानी हवा को भी माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताएं का भंडार है। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेजन बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है वो कई देशों द्वारा हुए उत्सर्जन से मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है उतना ही अमेजन बेसिन से लेता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों ये तो सबसे खराब स्थिति में है। वैज्ञानिक कॉलोर्ड स्नोबर और थॉमस ई लोवेजाय अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेजन के जंगलों को काटा जा रहा है वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है, इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता है बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेजन के जंगलों में जिस तरह से बारिश होती है वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है उतना आधार प्रोड्यूस कर देता है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अमेजन के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों को करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाड, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयान से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके एक तिहाई को एक साथ आप अमेजन के जंगलों में भी देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 भी ज़्यादा आदिम जनजातियाँ भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। अमेजन के जंगलों के कीड़ों की भी काफ़ी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हज़ार तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिक को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ मकड़ियों को भी काफ़ी चर्चा होती है। यहाँ 3,000 से भी ज़्यादा इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें ज़्यादातर जहरीली होती हैं। टांटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपको आंखों में पड़ जाएं तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। अमेजन में 120 प्रकार के जहरीले मेंढक पाए जाते हैं। चटक सुनहरे रंग के मेंढक देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं पर ये बहुत ही जानलेवा होते हैं। इन मेंढकों में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जितना जहर पाया जाता है। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत बार देखा होगा कि ये एनाकोंडा सांप जानवर इंसानों को डायरेक्ट ही निगल जाते हैं। अमेजन के जंगल में पाए जाने वाले एनाकोंडों की लंबाई 30 से 40 फीट तक होती है। अमेजन में एक ऐसी नदी है जिसमें टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री रहता है जो कभी कभी उबलता हुआ दिखाई देता है। अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ के लोग इस नदी में उस आदमी को दफनाने के बजाय डाल देते हैं। अमेजन में जगुआर भी पाए जाते हैं जो चुपके से इंसानों या जानवरों पर वार करते हैं। हालांकि ये इंसानों से दूर ही रहता है लेकिन कभी कभी नज़दीक भी आ जाता है। क्या आपको पता है अमेजन के जंगलों में ईगल भी पाए जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसकी पंख की लंबाई लगभग 3 फीट के बराबर होती है। इसका वजन 6 किलो तक का होता है। ये अपने वजन से दुगना वजन अपने शिकार को पंजे में जकड़ कर रख सकता है। वर्षावन के उत्तर में अमेजन नदी बहती है जो सैकड़ों जलमार्गों का एक नेटवर्क है और 6,840 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। हालांकि इस बात को लेकर कई विवाद भी हैं। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेजन नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 2007 में मार्टिन स्टेडल नाम के एक व्यक्ति ने अमेजन नदी की पूरी लंबाई को तैर कर पूरा पार किया। अपनी शानदार जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन 66 दिनों तक प्रतिदिन 10 घंटे तक नदी के भीतर तैरता था। अमेजन वर्षावन लगभग 400-500 स्वदेशी अमेरिडियन जनजातियों का घर माना जाता है। इनमें 50 जनजातियों का बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं रहा है। वर्षावन में दुनिया के सबसे दिलचस्प और खतरनाक जीव रहते हैं। इसमें नदी में मिलने वाले इलेक्ट्रिक ईल, मांस खाने वाली पिनहार मछली, जहरीले मेंढक जगुआर और कुछ सबसे जहरीले सांप भी शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन को सीमित करने में अपार प्राकृतिक सुंदरता वाला अमेजन वर्षावन का क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समृद्ध वनस्पति हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन गैस हाउस लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। अमेजन वर्षावन में घने पेड़ों के होने की वजह से इसकी सतह पर हमेशा अंधेरा रहता है। इसमें एक छतनुमा स्थिति पैदा हो जाती है। ये इतनी मोटी परत बना लेते हैं कि बारिश होने पर पानी को नीचे पहुँचने में लगभग 10 मिनट का वक्त लग जाता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दो साल में अमेजन के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 83% की बढ़ोतरी हुई है। इसके कारणों में कुछ लोग इसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई के बारे में बता रहे हैं तो कुछ षड्यंत्र तो कुछ सरकार की लापरवाही। नासा के मुताबिक सिर्फ इस साल आग लगने के 72,843 मामले सामने आए हैं। इसमें अमेजन बेसिन में ही आग लगने के 9,507 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।